तो गाइस फाइनली हमारी स्कूटी रेडी हो चुकी है जिसमें मैं बैठा हूँ। चलो 3 2 1 पीछे जाइए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हम लेके आने वाले हैं अपने लिए न्यू स्कूटी। मैंने अपनी बाइक बेच दी थी ना, तो हाँ अब अपने लिए स्कूटी ले आऊंगा आज फिलहाल। तो फिलहाल अभी मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है, तो मेरी न्यू स्कूटी आ गई आज। तो कैसा लग रहा है? अच्छा बढ़िया। तो अभी खाना रेडी हो रहा है, खाना खाते हैं और फिर चलते सीधा टीवीएस के शोरूम। तो आज बनी है खीर, भटके डुबके, आलू और चावल, पनीर भी बनेगा। अब इतना सारा सामान बन रहा है तो घर में गेस्ट आ रहे हैं इसलिए ऑब्वियसली। तो अभी अपना खाना तो आ गया, खाना खाते हैं। इतने पीयूष भी ट्यूशन से आ जाएगा ना, फिर चलेंगे मस्त। बिल्कुल सही टाइम पे पीयूष आया, मैं खाना खा रहा था ना। तो चलो अब खाना खाते हैं और चलते हैं सीधा स्कूटी लेने। चलो कौन सी ले, कौन सा कलर ले? अभी तक डिसाइड नहीं हो कौन सा कलर ले। रेड भी था, येलो भी था, ब्लैक भी था। दो कलर है मेरे दिमाग में, फिर रेड वाला फिर ब्लैक वाला। हाँ रेड वाला अच्छा लग रहा है, रेड वाला ना, रेड वाला स्पाइडरमैन एडिशन है, स्पाइडरमैन वाली स्कूटी भाई। अरे वाह गुड बॉय, चॉकलेट आई, चॉकलेट लाके मुझे दे रहा है, गुड बॉय। तो भी गाइस घर में गेस्ट आए हैं, चॉकलेट लेके आए हैं। तो कुनाली सीधा चॉकलेट मेरे पास ले, ओ गला गला मत दबा, सीधा चॉकलेट मेरे पास लेके आया कि हाँ सौदा लो चॉकलेट, क्योंकि मैंने मना कर रखा था चॉकलेट खाने के लिए। सीधा मेरे पास लेके आया नहीं कुनाली, नहीं कुनाली की ईमानदारी के लिए कुनाली को कुछ और मिलेगा। नहीं ऐसे इमोशनली इतना इमोशनली अत्याचार मत करो मेरे साथ, प्लीज मेरे को दे दो थोड़ी सी। तो भी गाइस हेलमेट रेडी है, गोप्रो लगा लिया इसमें, अब चलते हैं न्यू स्कूटी लेने के लिए। कलर कलर बता कौन कौन से है? रेड ब्लैक येलो सब कलर है, देखेंगे ना फिर। चल मैंने देखी नहीं, रेड नहीं लेनी है, पहचान लेते हैं उसकी स्कूटी है करके। नहीं तो क्या वो तो भैया को पहचान लेंगे, स्कूटी नहीं पहचानेंगे तो। आज जिंदगी में पहली बार दे रहा है उसको खाना, तो दो बचपन में मेरे को पता है खुद से तो कुछ खाना खाता नहीं है, मैंने भी दिया था। भाई सुबह से खतरनाक वाली बारिश हो रही थी, अभी अभी रुकी है और बारिश के बाद देखो कितना मस्त लग रहा है, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, मस्त धुल गया देखो सब। हम चलेंगे फॉर्च्यूनर लेके। तो मैंने तो अपना हेलमेट रख दिया, आते हुए तो मैं स्कूटी चला के लाऊंगा, नई वाली स्कूटी फॉर्च्यूनर साइल चला लेगा। नहीं पैसे रहने दो, पैसे मत दो, अरे नहीं पैसे मत दो, पैसे आशीर्वाद दे दो बस। नहीं पैसे पैसे मत लियो, पैसे ले लिए ना, पैसे मत, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद पैर छू ले, दे दिए। चलो ठीक है उसको तुम रख लेना, कुछ चॉकलेट वगैरह खा लेना। शगुन शगुन इधर दे, कहीं गिराएगा, इधर दे कहीं गिराएगा। तो भी चलते हैं सीधा टीवीएस के शोरूम और स्कूटी उठा के लाते हैं। चलो चलो ब्लैक या फिर रेड? रेड, बड़े मम्मी ने बोला था रेड में लेना। तो भी गाइस निकल पड़े हम, अब यार सामने ट्रक आ गया, अब स्लो स्लो चलना पड़ रहा है हमको बहुत। तो भी गाइस फाइनली पहुंच गए हैं टीवीएस, चलो भाई देखते हैं कौन सी ले लें। यहाँ पे स्पाइडरमैन है इसलिए। गाइस मेरे को तो रेड पसंद आ रही है, लेकिन इनको रेड पसंद नहीं है, मेरे को और कुनाली को रेड पसंद आ रही है। अब मेरे को कलर्स पसंद है ना, पॉप अप कलर्स, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो गाइस स्कूटी फाइनल हो चुकी है ब्लैक कलर में, अभी आपको बाहर निकल के दिखाऊंगा अच्छे से। तो पीछे देखो वो रेडी हो चुकी है स्कूटी, उसमें बस मिरर लगेंगे, मिरर लग के फिर लेके जाते हैं। भाई अगर मैं अकेले होता ना मैं तो रेड लेके जाता, इन सब ने बोल दिया कि ब्लैक ब्लैक ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक ले रहा हूँ। तो गाइस फाइनली हमारी स्कूटी रेडी हो चुकी है जिसमें मैं बैठा हूँ। चलो 3 2 1 पीछे जाइए। ये देखो फाइनली लग तो मस्त रही है वैसे। भाई वही तो यार। रेड रेड है, रेड रेड है। तो अभी तीनों भाई बैठ गए इसमें। तो गाइस कुनाली को तो यहाँ पे चाबी मिल गई, चाबी लेके डोल रहा है ये भाई अपनी वाली स्कूटी। तो ये है देखो क्या मस्त लग रही है ब्लैक कलर में। तो भी गाइस फाइनल पेमेंट वगैरह करते हैं और स्कूटी को लेके चलते हैं सीधा। 750 किलोमीटर पहली सर्विस। ओके जो भी पहले बड़े। चलो भाई अपना हेलमेट आ गया, अब चलते हैं। सर दर्द में जाएंगे स्कूटी में। हेलमेट नहीं आपके पास कैसे जाओगे? पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा इसमें। सॉरी कुनाली। भाई क्या मस्त लग रहा है अपनी न्यू स्कूटी में, अब से इसी को चलाऊंगा रोज, मतलब मार्केट जाने के लिए या फिर कहीं भी आसपास जाने के लिए अब इसको चलाऊंगा मैं। नो बाइक, पहले तो पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल नहीं है इसमें। ये देखो कितने गड्ढे वड्ढे कंकड़ वंकड़ यहाँ पे, तो यहाँ पे ना महंगी बाइक लेने का फायदा ही नहीं है महंगी बाइक का, तो अपने नॉर्मल स्कूटी लेके चलो। चलो भाई पेट्रोल पंप पहुँच गया, पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो पहली बार हम इसको फुल नहीं करवा रहे, मना किया था उन्होंने। चलो भाई पेट्रोल भी भरवा लिया, अब चलते हैं। फाइनली सोसाइटी पहुँच गए और देखो क्या मस्त मौसम हो रहा है यार यहाँ पे, तो चलो दिखाते हैं मम्मी चाची को। तो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं मस्त अपनी नई नवेली स्कूटी लेके। मम्मी स्कूटी ले आया मैं, आओ देखो, आओ देखो इसको तो चला सकती है यार तू।
तो फाइनली गाइस हमारा न्यू फैमिली मेंबर आ चुका है, जो कि स्कूटी जो मुझे लेनी थी तो फाइनली मैंने ले ली। इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगती है, खोलिए पर इसको, ये देखो मैंने दोनों कैमरे रख दिए, अभी भी काफी स्पेस है, यहाँ पे ड्रोन भी आ जाएगा, 360 भी आ जाएगा, गोप्रो भी आ जाएगा, तो सारे गैजेट्स मेरे इसके अंदर आ जाएंगे और मैं चार्ज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देख केबल भी लगा सकते हैं, केबल से चार्ज भी हो जाएंगे सारे के सारे। तो हाँ ये सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी इसकी। तो फाइनली बाइक बेच के मैंने स्कूटी ले लिया, अब इसको यूज़ करेंगे हम लोकल के लिए, और बाकी थार को यूज़ करेंगे सिर्फ जंगल के लिए, जंगल और एडवेंचर के लिए यूज़ होगी थार, और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्च्यूनर। और इनोवा मैंने साहिल को दे दिया, साहिल इनोवा यूज़ करता है अपना, कहीं जाना होता है कॉलेज वाले जाना होता है तो साहिल इनोवा यूज़ कर। ओ भाई क्या कर रहे हो, ये पता नहीं डरा रहे हैं। तो हम तीनों गाड़ी रखेंगे, थार बेचने का प्लान कैंसिल, और स्कूटी चलाऊंगा, सबसे ज़्यादा स्कूटी चलाऊंगा मैं लोकल के लिए, कुछ सामान वगैरह मार्केट से लाना होता है ना, तो हाँ इसलिए। और बाकी ट्रैवल भी करेंगे, कहीं आसपास जाना है, नैनीताल जाना है, भीमताल जाना है, तो पहाड़ों पे जाना है तो स्कूटी पे भी जा सकते हैं हम, इसलिए मैंने स्कूटी लिया, अब इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं। पापा जी इलेक्ट्रिक चलाते हैं, आज फर्स्ट टाइम चलाएंगे ये पेट्रोल वाली, होगी बस चलाओ, डरो मत यार डरो मत। हाँ आसान तो है ही, पीयूष के तो अभी साइकिल वाले दिन ही चल रहे हैं, 13.5 साल का है अभी, तो भाई कितने साल बाकी है तेरे, अभी तेरे 5-6 साल बाकी है भाई। भाई हमारे पास स्कूटी भी है, बाइक भी है, फॉर्च्यूनर भी है, गाड़ी सब है, थार भी है, लेकिन पीयूष नहीं चला सकता बिकॉज अभी बहुत छोटा है, अभी 5-6 साल के बाद चलाएगा भाई ये। गाइस पीयूष के तो अभी साइकिल वाले दिन ही चल रहे हैं। पापा जी कैसा लग रहा है, इजी है बहुत आसान है उससे। चलो थोड़ी बहुत पार्टी करने चलते हैं, गए इसकी पूजा भी कराएंगे, तो पूजा कल कराएंगे हम, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, अंधेरा भी होने वाला है, तो कल कराएंगे पूजा। चल अब साइड हो, प्लीज चलाने दो, चलाने दो प्लीज, 6 साल बाद। चलो अब कुनाली के बारे, कुनाली को घुमा दे थोड़ा, ठीक है। तो भी गाइस मार्केट पहुंच गए, अब चलते हैं सीधा स्काई डेक और वहां जाके वो भी दिखाता हूं अपनी न्यू स्कूटी, होपफुली वहीं पे ही होंगे भाई। अब तो मैं इसी को चलाने वाला हूं, जो मजा आ रहा है चलाने में। चलो भाई स्काई डेक पहुंच गए हम, तो अभी स्काई डेक पहुंच गए एंड बॉय भाई यहीं पे, अभी मैंने न्यू स्कूटी ले ली है, स्कूटी ले ली हां, अरे वाह कांग्रेचुलेशन यार, थैंक यू कब ली, अभी ली हां। और यहां पे बन रहे देखो न्यू रूम जो बन रहे हैं, तो अभी रूम्स रेडी हो रहे हैं, फिर अगर कोई आएगा ना हमारा तो हम यहां पे स्टे कर सकते हैं सारे, तो एकदम पार्टी करते खाते पीते फिर मिलते हैं आपसे। चलो सिंगिंग चल रही है पीछे, मस्त वाइब आ रही है। तो भी गाइस साहिल भी यहाँ पे आ गया, साहिल भी गाएगा यहाँ पे इनके साथ में। भाई मतलब क्या गा रहा है भाई, मजा आ गया, मतलब माहौल बना दिया साहिल ने तो आज भाई, कोई तो बुला लो साहिल को मुंबई। साहिल ने जो गाया आज भाई मजा आ गया, तो अब जा रहे हैं ऊपर बोबिया के पास में, बोबिया ऊपर ऑफिस में बैठे हैं अपने, तो अब यहाँ पे कॉफी पीते हैं और फिर चलते हैं सारे साहिल के लिए, ऐसे तालियां बजा रहे भाई मजा आ गया मतलब। चलो भाई जल्दी चलते हैं, मम्मी मारेगी नहीं तो, बहुत लेट हो गया भाई। स्कूटी से हमको आधा टाइम लगेगा घर पहुँचने में, और आधे से भी कम पेट्रोल लगेगा। हाँ मम्मी जी पहुँचने वाले हम, ठीक है। मम्मी का फोन आ रहा था भाई मम्मी का फोन आ गया, जल्दी चलो 9 बजने वाले हैं, अब चलते हैं अंदर मस्त अपनी नई स्कूटी को लेके। तो अभी यहाँ पे इनका चला डिनर, हम तो खा के आ गए, मम्मी पार्टी कराए, साहिल ने जो गाना गाया आज मस्त। तो भी गाइस रात के बज चुके हैं 1, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल मैं खा रहा हूँ रोटी और स्लो करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। मुक्का मारा आज मैंने, मुक्का रोटी नहीं मार सकते ना ऐसे। कैसा लग रहा है? मस्त सारे मोमोज खा गया, सारे खा लिए भाई साहिल के सारे मोमोज।